तो आज कम से कम हफ्ते बाद ना मम्मी के रूम की वार्डरोब आई है, रोज बुला बुला के आज कैंसिल हो गई, पूरा का पूरा ऑर्डर कैंसिल कर दिया, दो हफ्ते हमारे वेस्ट किए, फिर वापस से जाके ऑर्डर की, अब जाके वार्डरोब आई है, ले आए वार्डरोब। ये यहाँ पर है, 7-door वार्डरोब लिया है विद शीशे के साथ एक वाली में। आई थिंक दिस लुक गुड इनफ। तो ये सारा आइकिया का सामान है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, ये फोटोज लेते रहते हैं जब भी ये आते हैं ना, दे कीप टेकिंग पिक्चर्स ऑफ द मटेरियल एंड फॉर अस एज वेल, कि उनको प्रूफ देना होता है कि हमने डिलीवर किया है। हाँ, इतनी बड़ी आइटम। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। एंड ऑफकोर्स मुझे लग रहा है कि ये हैवी डिलीवरीज की वजह से ना मॉर्निंग में डिलीवरी स्टार्ट करते हैं, लाइक अर्ली 6 o'clock और 7 o'clock। 5:30 हाँ, और वो जब श्रेडिंग करने जाते हैं तो बड़े बड़े ट्रक्स होते हैं मॉर्निंग में अर्ली। पता क्यों आते हैं? इसके पीछे भी एक रीजन है। मेरी जो कंपनी है ना, वो करती है 2 ऑपरेशंस। एक तो हम लोग करते हैं एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, ठीक है, एक वो श्रेडिंग का काम भी करती है, तो मुझे काफी नॉलेज है उस चीज की भी। तुम्हारा मॉर्निंग जाने का जो रीजन होता है वो ये होता है क्योंकि ये लोग भी जो हमारे ड्राइवर्स होते हैं ना, वो मॉर्निंग अर्ली 5 o'clock 4:30 भी निकलते हैं। इफ इन केस तो सेंट्रल लंदन की साइड में जाना हो या कहीं पे भी जाना हो, जो बेसिकली होता क्या उसमें कि तुमको जो गवर्नमेंट है ना वो अलाउड नहीं करती बड़े बड़े व्हीकल्स को वर्किंग आवर्स में ऑपरेट करना, ताकि ट्रैफिक ना क्लटर हो जाए बहुत ज्यादा। तो वो लोग क्या करते हैं कि मॉर्निंग में जो भी सेंट्रल लंदन की कोई अगर कंपनीज होंगी, कोई बैंक्स होंगी, कुछ लोग वो कवर कर देते हैं। एंड द सेम थिंग हैपेंस विद आईकिया एज वेल। हमारी कंपनी को शेड करने जाना है सुबह, तो मतलब लेट्स सपोज बैंक को अपने पेपर शेड करने, तो बैंक वाले बंदे को भी खड़ा होना पड़ेगा ये शेड करने के लिए। कोई ना कोई वहाँ पे उनकी कोऑर्डिनेशन रहती है पूरी, जुड़ी नहीं है बैंक के, सो मेनी कंपनी, स्कूल्स है, बैंक्स है, बड़े सारे जो लोकल इंडिविजुअल्स है वो लोग उनसे टाइम सेट करते हैं। और ऐसा नहीं कि सिर्फ मॉर्निंग 5 से 9 ही वर्किंग है, फुल डे वर्किंग रहता है, डिपेंड ऑन द लोकेशन। जैसे कोई जोन जैसे 6 से बाहर होगा या कोई भी जोन है, वो फर्स्ट भी है, सेकंड भी, थर्ड भी है, कुछ लोकेशंस पे अलाउड नहीं होता बड़े व्हीकल्स वर्किंग आवर्स में। अगेन आई एम सेइंग इट डिपेंड्स ओनली ऑन कि वो उनको पता है जो हमारे ट्रांसपोर्ट मैनेजर है कि कौन सी लोकेशन पे कौन से टाइम पे डिलीवर किया जा सकता है, डिपेंड ऑन द गवर्नमेंट गाइडलाइंस। तो जो मुझे आईकिया का बेस रिफंड समझ आएगा, क्योंकि ये तीसरी डिलीवरी हमारी आई है गाइस, तो उसमें मुझे समझ आया है कि ये लोग सुबह डिलीवर करते हैं बिकॉज बड़ी बड़ी लंबी लंबी आइटम्स है, ट्रैफिक को अवॉइड करने के लिए जल्दी आते हैं और हमारी नींद भी खराब करते हैं। सुबह सुबह 7 बजे फोन आ जाता है, हमारे अभी भी अंधेरा पीछे, बस अभी लग रहा है पूरी रात पड़ी हुई है, बट हम उठ जाते हैं। फिर अच्छी बात है, चलो नींद भी खुल गई थी। बाने आपको बाहर का माहौल दिखाते हो, बारिश फुल हो रही है और 8 बज चुके हैं, और ये देखिए ये 8 बजे की सीन है। ओह, बहुत ठंडी हवा चल रही है, क्लोज ही कर देते हैं। थोड़ी लाइट हुई है बाहर, और यहाँ पे सारा हमारे जो कारपेंटर वाले भैया है ना, वो भी आ गए हैं यहाँ पे। उन्होंने बोला हम सुबह सुबह आ रहे हैं, सारे सुबह सुबह आ रहे हैं, और ये हमने पूरा खाली कर दिया गाइस, मेरा वॉकिंग वार्डरोब। अब बनेगी इसमें मेरी बढ़िया वाली शानदार अलमारी, वॉकिंग वार्डरोब, जैसे सिर्फ मेरे सामान दिखेगा, सिर्फ मेरा ही सामान दिखेगा। कोई काम नहीं कितना सुबह में वह ही लगी पड़ी है। और हमने क्या किया, हमने अपने बाथरूम को पूरा कमरा बना दिया, बड़े बाथरूम होने का फायदा होता है, सारे जो भी सूटकेसेस का सामान है इधर ठूस दिया हमने, ताकि जब तक वो बनता है। एंड देन थोड़े बाथरूम में, हाँ जी, थोड़ा सामान हमने इस वाले बाथरूम में रख दिया है। हाँ, अब हमारी मेन चीज जो रह गई है कि एक बार बेड भी हो जाए सेटल आउट। हाँ, ये ना सौरभ, इसको ना 2 पीस रहने देना, दूसरे वाले स्टोर रूम में लगाने। बन रहा है रोल, काठी रोल बना है, क्या बन रहा है? बेसिकली हमने ना फलाफल के रोल बनाया है, साथ में ये क्या डाला आपने, जुकिनी। भाई चॉपिंग देखो कितनी फाइन करता है ये इंसान, चॉपिंग का मास्टर है। साथ में हमारी थोड़ी सी पड़ी हुई सेवियां जो मैं खाने वाली हूँ। एंड लुक्स यम। हाँ जी मम्मा, कैसे बना ब्रेकफास्ट? नाइस मम्मा ने तो फिनिश कर दिया। साथ में हम पी रहे गर्मा गर्म चाय, अभी हम चाय दे देते हैं। एंड सौरभ को कुछ तो करने बैठा है। सौरभ कितना काम हो गया उसका?
एक बार अंदर जाकर देखे कितना कम हो गया है, कितना प्रोग्रेस है। मेरी वॉकिंग रोड ड्रॉप एक्साइटेड। हाँ यस भाई, बिकॉज अभी सब लेट्स सी किसके लगते हैं। ओके आगे बंद। हाँ अभी तो बॉक्सेस बन रहे हैं, इट्स वर्किंग। चेयर्स कौन सी अलमारी के बार के साथ। चेयर्स टू दिस व्यू सौरव, चेयर्स टू दिस व्यू। बेड वाला इज कमिंग इन 15 मिनट्स। बेड वाला इज कमिंग इन 15 मिनट्स। आज भाई आज वाट लगने वाली है। तो वे बाथरूम तो एक पूरी रूम वाली फील दे रहा है। फिलहाल अभी हमारा बेड भी आने वाला है एंड सुबह से हम ऑलरेडी थक चुके हैं, 7 बजे से उठे हुए हैं एंड इट्स गोइंग टू बी 2 o'clock। वॉकिंग वॉटर बन रही है, बेड भी बन जाएगा, होपफुली अलमीराज भी जल्दी ही हो जाएगी कवर एंड देन वी लेफ्ट विद सम डेकोरेशन एंड स्टडी। धीरे धीरे हो रहा है, होपफुली जल्दी सब कुछ हो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, इस रूम से जाना है बिल्कुल। की होया दोनों साइज सेम है ना। ओके ठीक है ये हमें नहीं चाहिए, हमें उसने गलत भेजा हमें। इधर से सामान उठा लेते हैं ना पहले। हाँ हाँ मैं उठा देती हूँ सारा सामान, ठीक है। फिर तो देखो वापस करोगे ना बंदे को ब्लॉक कर देंगे। नहीं नहीं हाँ नहीं वो मैंने वो कर दी है, सफाई कर दी है। सौरभ सीख लो काम कैसे करते हैं, सेकंड बिजनेस शुरू कर लेते हैं हम। बहुत डिमांड है इसकी, बहुत काम है। आपका नाम क्या है जी। यश। यश आप ये बहुत अच्छे बैग्स वगैरह डिलीवर करते हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे कितना सुंदर लग रहा है। क्या नाम आपकी। ड्रीम गोल्ड बैड्स। और फेसबुक मार्केट पे आपने लिया। फेसबुक मार्केट। ओके गाइस अगर किसी को भी आपको बेल्ट वगैरह देख रहे हो, वेबसाइट है, हम लिंक भी छोड़ देंगे, आप लिंक से क्लिक कीजिए और अपना बढ़िया वाला सामान तैयार करवाइये, ठीक है ना सौरभ। हमारे बिल्कुल कहते ना थीम के साथ मैच कर रहा है मम्मा। मम्मी बहुत खुश है, मम्मी तो कह रही है कि मेरा बेड आ गया। ठीक है मैं मम्मी का बेड जोड़ूंगा भी वो बेचारे पता क्या है उनको नीचे गद्दे में प्रॉब्लम होती है, उनको बेड जोड़ के दूंगा पता चलेगा सारी जिंदगी भी टूटेगी। जिंदगी और क्या। नेक्स्ट टाइम मम्मी को इस तरह का इससे भी बढ़िया बेड लेके आऊंगा। मेरा नंबर सेव करना, वो मम्मी फिर अपनी मर्जी का लेगी। बिल्कुल अब आपसे सारा सवाल मंगाए। मम्मा इनको चाय पिला के जरूर भेजना है, बढ़िया वाली मसाला चाय, ठीक है। हाँ 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 करो करो काम, करो काम सीखो कैसे करते हैं। बस इस पे मेरा सेव करो नंबर, मेरे को सेंड करना। हाँ 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 आप अभी आपके पास मोबाइल होगा तो वो भी कर लेना, आप काम कर लो। बनाओगे ना मेरे। हाँ ये ब्लॉग ही बन रहा है, ये ब्लॉग ही बन रहा है अभी आपका। हाँ अभी ब्लॉग में हो आप, ये आपका हफ्ते बाद आ जाएगा इंटरनेट पे ना जब हम डालते हैं। एक हफ्ता अभी हम थोड़ा पीछे चल रहे हैं ना क्योंकि अभी काम चल रहा है। हाँ जी मम्मा ऑल ओके हैप्पी। बाहर ऐसा लग रहा है जैसे शिमला आए होते ना, ऐसे पहाड़ पहाड़ से। तो बढ़िया आया है जितना चाहिए था लंबा। जो पहला तो हमने मजाक ही मंगा लिया, पहला बेड हमारा खराब आया था तो हमने वापस से नया ऑर्डर किया। पहले किसी को चाहिए तो प्लीज हमें बता देना, हम ये काम जो मर्जी कर लो हमसे ना हो पाएगा। हम लोगों को कंप्यूटर का जो मर्जी करवा लो, सॉफ्टवेयर बनवा लो, हम वो कर देंगे। सीखो सीखो बस तोड़ मत देना कुछ। नहीं नहीं टूट भी गया तो मैं इधर हूँ ना। हम
the storage, massive storage here is well. Okay. हाँ हाँ right right. Put everything underneath. हम लोग अब इसके अंदर suitcase रखने वाले हैं. ठीक है रहने दो open ही रहने दो आप open अभी रख दे नाम दे सामान ठीक है ना. चलो thank you so much. हाँ other one is very nice. हालत हो चुकी है खराब फिर भी सौरभ डेटा हुआ है. ये हालत देखो अभी ये guys लग रहा है गद्दा. हाँ ये बहुत पतला नहीं है. एक बार खोलेगा ना फूलने का टाइम दो दिन लगेंगे इसको फूलने में. फुलाओ फिर उसको और क्या. अभी फिलहाल नीचे ही सोते हैं क्योंकि फिर नहीं तो पता नहीं चलेगा. मुझे ना अच्छी चाहिए तो हार्ड गद्दा गाइस मेरी थोड़ी बैक का प्रॉब्लम है थोड़े लेने के बाद. अभी हम इसमें पूरी सेटिंग करवा रहे हैं. ये ना यहाँ से नीचे से पैर लग गए. हो क्या खिलारा पड़ा है. वी डोंट हैव अ बिग पॉलीथिन या फिर इन्हीं पॉलीथिन वो वाले पॉलीथिन के अंदर ही सब कुछ डालते जाओ. बाय टेक केयर सी यू ऑन ट्यूसडे. ट्यूसडे ओके देन. या 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 एनी टाइम या दैट्स फाइन ऑब्वियसली वी यू नीड अ हॉलिडे एज वेल. मम्मी जी नवे नवे बेड पे. ओके गाइस सो दिस बेड इज एक्चुअली ऑलमोस्ट रेडी. अभी हम लोग दिखाना नहीं चाह रहे थे आप लोगों को लेकिन यहाँ पे भी वार्डरोब लगेगी एंड विल कीप सम डेकोरेटिव आइटम्स ताकि और अच्छा और सुंदर लगे. तो मम्मा जी आर यू लाइकिंग इट. ये एंड रूम काफी बड़ा है काफी स्पेस है. चलो 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 अभी रिचा की बारी आ गई इसको भी दिखाई दे कि इसका क्या बना आज. ये This whole walking wardrobe ये है इसकी वॉकिंग वार्डरोब इसने बनाई है. आज पूरा दिन सुबह 9 o'clock से लगे शाम को 5 बजे तक पूरी वार्डरोब पूरी मेहनत से गाइस मैंने आइकिया से ऑर्डर किया है एंड ऑफकोर्स आइकिया से मैंने पूरा पहले उसका पूरा साइज वाइज का नाम लिया चेक किया. हाँ ऑफकोर्स थोड़ा सा हमसे गड़बड़ हो गया क्योंकि ये उधर तक जा रहा है ना तो दैट इज ऑब्वियसली हम लोगों को हाइड हो जाएगा थोड़ा सा बट दैट्स फाइन. अभी हम पूरा इसको मतलब मेरे चीजों से सजा देंगे एंड देन बस स्माइल तो देख स्माइल देख शक्ल देख शक्ल. कब से मैं मतलब इट्स हार्ड टू गेट योर वॉकिंग वार्डरोब थिंग इन 2015 से मांग रही है. हाँ मतलब मुझे तो आगे आ रही है स्पेस नहीं है वॉकिंग वार्डरोब नहीं है मेरे को सामान रखना है अपना. So finally after like 5 years of hard work I'm getting what I want. So thank you so much God for your blessings and everything. चलो पैर परो. So it's time to get ready for this बड़ा बड़ा IKEA का डब्बा. फिलहाल अभी हम नीचे जा रहे हैं और सबकी हालत टाइट हो चुकी है सब थकावट से. हिम्मत मर्दा मदद खुदा. क्या है वो लाइन. फिलहाल अभी इसको जा रहे हैं बिन रूम में छोड़ने. सोचोगे उतना थके जाओगे जितना फिक्स अपने आप को हेल्दी रखोगे उतना. नो कमेंट्स. लिफ्ट ही नहीं पहुंच रही नीचे. दबाया हुआ है. चलो भाई बड़े बड़े डिब्बे हमारे हमारी निशानी. चलिए ऑल डन. और भी हम लोग कुछ खाने निकलते हैं भाई भूख लग रही है. चलो भाई लेट्स गो. डिनर करके लगे हैं सोने सब लोग. ग्रीन टी पियेंगे एक एक और आप लोगों को बोलते हैं बाय गुड नाइट एंड सी यू इन टुमारो व्लॉग. गुड नाइट मम्मा जी बाय.